तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे। चारू बेटी ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हर दिन की तरह हम ब्लॉग स्टार्ट किए हैं अपने कुटिया के सामने से ही, यानी कि डेरा रूम हम लोग का उसी जगह से। तो आप सब कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। हम तो जो हैं आप सभी के सामने हैं और हर दिन बताते ही हैं कैसा है वैसा है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस ब्लॉग में कवर करने की, जो दोस्तों बिहार में किस तरह से, जो हम लोग तरफ तो नल जो कोड़ाई होता है ना चपाकल, वो एक वो बड़ा सा गाड़ी आता है, बोरिंग गाड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, और उसपे बहुत सारे टाइम वगैरह लगता है। हम लोग का पहाड़ी इलाका है तो नल कोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मेहनत भी लगता है और काफ़ी ज़्यादा मिस्त्री लोग को परेशानी भी होती है, रिक्स भी होता है। लेकिन यहाँ पे कोई रिक्स वगैरह नहीं, एकदम आराम से कोड़ाता है। वो चीज़ आप सभी को इस ब्लॉग में आज हम दिखाएंगे। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। एकदम आसानी से यहाँ पे हाथ से ही बोरिंग कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा आसानी से। तो कुछ क्लिपें हमने रिकॉर्ड की है, वो सभी के आपने साथ में शेयर करेंगे। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हर दिन की तरह चारुगमा में अभी भी ईंटें बोने ही चली गई है। हम तो नए गए हैं, आप सबको कल दिखाए थे कि हम कांच से एड़ी पे कटा गए हैं, इसके वजह से नहीं गए। चलिए सबसे पहले अपनी लाडली बेटी चारू से मिला लेते हैं। ये किस तरह से खेल रही है? अभी दोपहर का टाइम है, लगभग 4:30 बज रहा है जब हम ब्लॉग स्टार्ट किए थे। उसके बाद में वो क्लिप को शूट किए, तो अभी चारू से मिला रहे हैं। चारू इधर एक बार देखो, चलो हेलो बोलो। नहीं, ये दुपट्टा बनाई है, देख रहे हैं क्या का रिबन है, फैट वाला रिबन को, और किसी का एक चप्पल ले ली है और खेल रही है। अचारक मम्मी सब तो अभी गए हैं ईटा बोने, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब ज़्यादा टाइम तक नहीं ढोएंगे, लगभग 5:30 बजे तक ढोएंगे और आ जाएंगे। और आज दोपहर में ही खाना बना के चली गई है। वो सब खाना क्या है आप सबको चारू की मम्मी के ब्लॉग पे ही देखने को मिलेगा, तो उनका ब्लॉग भी जरूर देखिएगा। और आज का जो रेसिपी बनाई हो अच्छा लगेगा तो उनको भी जरूर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है और लाइक दीजिएगा। कुछ काम नहीं करते हैं तो बस चारू को ही खिला रहे हैं, ये भी कोई छोटा काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम है। चारू खेल रही है, सारे बच्चे लोग उधर खेल रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ा सा छुट्टी हुआ है ना, तो सारे लोग अभी दूध पिलाने ले जाएंगे छोटे छोटे बच्चे सबको। चलो गुडे, दौड़ो रे दौड़ो रे दौड़ो रे दौड़ो रे दौड़ो रे। गाड़ी में बैठेगी? गाड़ियाँ खाली है? नहीं खाली, छोड़ दो। चलो अच्छा पैदल इसे, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी, दौड़ो 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 दौड़ो, फर्स्ट 1 2 3 हारुको 1 2 3 चलो दौड़ो 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 रे दौड़ो रे। यार धीरे धीरे दौड़ती है, उसे बोलते हैं तो स्पीड दौड़ो, जल्दी जल्दी चलो। ये कोयला का पूरा खदान है, कोयला रहता है। जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी, देखो सब पानी पी रहे हैं। जल्दी 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 जल्दी, मम्मी वहाँ है, दौड़ो। चल चल चल। तो चारू तो पहुँच गई मम्मी के पास, और आप सभी को कुछ हम घर दिखाते हैं। देखिए भट्टे का जो ईंट निकालते हैं ना, उसके ऊपर ये चाटे हम लोग बोलते हैं, चाटे के ऊपर देखिए हम लोग का एक एक कमर जितना हाइट होगा, और एक घर बनाए हुए रूम यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं आप सभी को। इस तरह देखिए, एक भाई साहब सोए हुए हैं और 3-4 सोए हुए थे, और ऊपर से इसका कुछ इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं प्लास्टिक लगा के, इसको चेक दिए। बस 5 बाई 5 फीट का होता है। उसके बाद हम इसी जगह बैठे हुए थे और ट्रैक्टर आके लगी, चारों को खिला रहे थे, ऊपर चट्टे पे हम भी बैठ गए थे, ट्रैक्टर आके लगी जैसे ही, तो इस पर लोग ईंटें डालना चालू कर दिए। ऐसे तो ईंटे को मतलब सटिया के लगाना है, जैसे 1 बाई 1 अच्छे से करके पैक करना है, लेकिन ये लोग जल्दी नहीं खोले थे टाली को, तो लोग ला ला के डालना ही चालू कर दिए। वहाँ से ला रहे हैं एकदम अंदर से, आप सब देखते ही हैं किधर ईंटा पकाई हो रहा है, उसी के अंदर से ला रहे हैं। चारू भी बैठ के देख रही है अच्छे से। तभी चारू एक लड़का को देखती है कि एक लकड़ी जैसा कुछ खा रहा है, लेकिन ये लकड़ी नहीं है या कोई लकड़ी नहीं है, एक तार का है जिसको ये खा रहे थे, तो दिला दिए। अब देखिए फटाफट से लगाना चालू कर दिए। उसके बाद में हम आ जाते हैं इधर रूम तरफ, देख सकते हैं बिहार में रहने के बाद में बच्चे लोग किस तरह से खेल खेल के हो गए हैं। देखिए एक कालू और एक ये मेरा भतीजी अपनी सैंडल इसका नाम है, खेल के किस तरह से हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा हंसी लग रहा है इन लोगों से। और ये तो हुआ, उसके बाद में थोड़ी बहुत धो लेते हैं, देखिए सामने दिखाते हैं। ये देखिए धो के किस तरह से कर लिए हैं,
काफी ज्यादा इस तरह से हो जाते हैं। और आप सभी को हम बोले हैं कि किस तरह से नलके का कोड़ाई होता है इधर, तो दिखाएंगे बस थोड़ी ही देर में। चलिए अब आप सभी को दिखाते हैं। तो रूम से हम जस्ट बाहर निकले तो फर्स्ट में हमको पता नहीं था, इधर ही थे, तब इधर गए तो दो इधर में लकड़ी बांध लेते हैं। जस्ट पहले जमाना का जो ढेकी होता है ना चावल कूटने वाला, उसी टाइप से इसके अंदर में पोंप को डाल देते हैं और रड लगा देते हैं। दो आदमी इधर से इस टाइप से दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं, और पता नहीं किस टाइप से एयर ऑक्सीजन टाइप से होता है पाइप के अंदर में। जो हाथ हो दबाए हैं ना, हमेशा हाथ को दबाए ही रहते हैं, जब ऊपर जाता है तो पाइप को इस तरह से छोड़ देते हैं, तो पानी देखिए इस तरह से हमेशा निकल रहा है बस इजीली आराम से। और हम लोग जब करते हैं झारखंड तरफ लोग, ऐसा तो हम देखे नहीं आज तक, पहली बार बिहार में ही देख रहे हैं इस टाइप से करते हैं। और पानी बस निकला ही जा रहा है, निकला ही जा रहा है, अभी काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा नहीं, ये देखिए कितना ज़्यादा निकल रहा है। और ये पाइप लगाया है, पहले हम पूछे तो ये लोग बोल रहे हैं कि बोरिंग कर रहे हैं, तो बोरिंग एक टाइप से हो रहा है, लेकिन इसके अंदर में ना ये लोग अभी पाइप वगैरह रखे हैं तो उस पर तांबे तार गाड़ेंगे, ये पोल खूंटा के सामने यूज करेंगे, ताकि लाइन जो इन लोग का प्रॉब्लम है कुछ लाइन का वोल्टेज वगैरह का, तो इस पर तांबे तार लगाएंगे और अर्थिंग एक होता है ना वो सेटिंग करेंगे, इसलिए कोड़ाई ऐसे ये बराबर चपाकल कोड़ा चुका है। तो इस टाइप से देखें कि कोड़ाता है। अब सभी को दिखाया कि बिहार में किस तरह से चपाकल कोड़ते हैं, लेकिन चपाकल उस पर नहीं गड़ाया, बाय द वे हम गलत थे, अर्थिंग गड़ा गया। ऐसे वहाँ पे नल लगाना चाहेंगे तो लग जाएगा, क्योंकि 50 फीट लगभग कोड़ाई किए हैं और काफ़ी देरी तक पानी निकल रहा था, बस नीचे ऊपरे अप डाउन कर ही रहे थे और काफ़ी ज़्यादा पानी निकल रहा था ना चारू। और अभी जस्ट आए तो चारू पूरा खेल के गंदी हुई थी, तो अपना काम हम कर रहे थे, चारू को अच्छे से कपड़े पहना दिए। कुकुर डॉग बोलो, डॉग डी ओ जी डॉग उधर देख के हंस रहे, तो इस तरह से है और काफी ज्यादा। और एक सरप्राइज और है, दो सरप्राइज और है आप सभी को ब्लॉग में देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू डेली देखेगा तब ना, कल काफ़ी ज़्यादा कम देखे थे लोग, तो चलिए कोई बात नहीं, किसी के पास टाइम हो किसी के पास ना हो तो मेरा ब्लॉग ही देखने के लिए वेट नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर देखिएगा, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट होगा। दो सरप्राइज और है, क्या है वो सभी को बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है, अब तो बेरा डूबने वाला है और शाम भी हो गया, काफ़ी ज़्यादातर लगभग शाम ही हो चुका है, अब देख रहे हैं बेरा डूबने वाला है बस सामने से, डेली तो ईंट ईंट दिखता ही आप सभी को। और आज गाड़ी वगैरह खड़ी है, ऑर्डर नहीं मिल रहा है आज ईंटा सब का, देख रहे हैं बेरा डूब रहा है ना, इधर डूबने चला है, अब थोड़ी देर में डूब जाएगा, आओ कह रो रही है आओ। और दिन का ही खाना तो बन गया है, चारू मम्मी बस आएगी और ब्लॉग भी बनाने के चलने की, यहाँ तो आज का मेरा जख्म किस स्थिति में है देखिए, काफ़ी ज़्यादा हार्ड तो और लग रहा है, इस तरह से हो गया है, ऐसे जो कुछ भी करना चाहिए इंजेक्शन वगैरह हम ले लिए हैं, तरह कुछ हो चुका है, इस तरह से हो गया है। और प्याज और हल्दी जो डालते हैं ना काफ़ी ज़्यादा काम करता है, आज शाम को फिर लगा लेंगे हम, कपड़े धो के घाट दिए जो यहाँ पे बांधते हैं वाला। और आप सब प्या करते हैं, इतने अच्छे से प्रे करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा, ये छोटी मोटी जख्म है हम लोग के लिए। ये तो देखिए अब चारू के देखिए अभी जस्ट पहनाए, नहीं ना बेटा ऐसा तुम करती है रे, उठो 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 उठो, गंदी लड़की तुम, अभी ना पहना है तुमको धोखे, जल्दी उठो। देख रहे हैं बच्चे लोग काफी ज्यादा इस तरह से करते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चे लोग को, तो इसी तरह से तो जख्म तो जल्दी ठीक हो जाएगा, शाम को हम ये भी ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतने ही रखेंगे, क्योंकि अब शाम हो रहा है और अब सारे लोग आएंगे, काफी ज्यादा हल्ले करेंगे, ब्लॉग बनाना मुश्किल अब हम लोग के लिए हो रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे काफी ज्यादा लोग अब जान गए कि हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, काफी ज्यादा हल्ला करते हैं जाके, तो चलिए मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। जितना आज दिखाना था मुझे दिखाएं, कोशिश किए, बस छोटी सी ब्लॉग थी, माफ कीजिएगा, हम चारों तरफ घूम घूम के ब्लॉग भी नहीं बनाए आज। चारों बंद नहीं करो बेटा, नहीं करो, नहीं खोल दो, शाम को दरवाजा खुला रखते हैं, क्योंकि शाम का टाइम बंद नहीं रखना चाहिए दोस्तों। ब्लॉग खत्म करके हम बता रहे हैं, देख रहे चारू ऐसा करती है, नौटंकी इतना करती है, नटखटना नहीं करो, यहाँ पे छोटे छोटे कीले निकले हुए लग जाएगी। तो चलिए फाइनली अभी बाय बाय, चलो बाय बाय बोलो तो एक बार, चलो खड़ा हो पीछे, हाँ देखें चारू का नौटंकी।